नमस्ते, आज मैं आई हूँ पूर्णता के मूल्य का वर्णन करने के लिए जो कि आपके व्याकरण के पाठ से जुड़ा हुआ है, अर्थात समूहवाचक संज्ञा वाक्यांश उपमा। प्रिय छात्रों, आपने व्याकरण के उपयोग के बारे में अंग्रेजी में सीखा हुआ है। व्याकरण क्या करता है? ये भाषा के उपयोग को परिपूर्ण बनाता है, वाक्यों को एक वांछित अर्थ देता है। कल्पना कीजिए कि आप प्रत्यय के बारे में सीख रहे हैं, आपके अंग्रेजी पाठ में सामूहिक संज्ञा वाक्यांश और उपमा। रचनात्मकता के मूल्य को फिर से देखने के लिए प्रत्यय पर अभ्यास किया जाता होगा। आप किसी भी शब्द के अंत में नेस NESS और ITY जोड़ने की सुंदरता का उपयोग कर सकते हैं और देखें कि यह कैसे इसके कार्य को बदलता है। उदाहरण के लिए शब्द लेते हैं ओपन और उसमें जोड़े नेस, तो ये ओपननेस बन जाता है। इसी तरह शब्द ले क्रिएटिव और उसमें जोड़े ITY तो ये क्रिएटिविटी बन जाता है। वे विशिष्ट कार्य वाले पूर्ण शब्द बन जाते हैं, इसमें कोई भी भ्रम नहीं होता। एक वाक्यांश शब्दों का एक समूह है जो अर्थ बनाने के लिए मिलकर काम करता है, पर ये पूरे वाक्य को पूर्ण नहीं करता। हालांकि अधूरा एक वाक्यांश की वाक्य के भीतर अपनी पहचान और भूमिका होती है। वाक्यांशों पर अभ्यास करना आत्म स्वीकृति के महत्व को समझने का एक बहुत ही अच्छा अवसर है, और आत्म स्वीकृति किसी भी कार्य को पूर्ण बनाने का पहला चरण है। हम में से बहुत से लोग उस मुहावरे की तरह है कि हम हर तरह से परिपूर्ण नहीं हो सकते, पर हमें अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए। समूहवाचक संज्ञा किसी वस्तु के समूह का संग्रह को दर्शाती है। ये एकजुटता और परिपूर्ण भावना की भावना है। यदि समूहवाचक संज्ञा पर अभ्यास एकता के मूल्य पर ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर है, तो ये तथ्यों का सही मिश्रण कैसे बनता है? उपमाओं पर अभ्यास अंतर संबंध के मूल्य की उनकी समझ को और बढ़ाने का एक अवसर है। ये आपको इंसानों और प्रकृति के बीच के अंतर संबंध को देखने में मदद करता है। शब्द जैसे लाइक या एज किसी भी चीज के साथ जुड़ाव की तुलना और समानता का संकेत देता रहता है। अंतर संबंध देखा जाता है या एकता की भावना का अनुभव होता है। ये समझना कि सब कुछ किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। उपमाएं शेर की तरह बहादुर होती हैं। शेर की विशेषताओं के साथ समानता और संबंध की भावना महसूस करने में आपकी सहायता करती है। इन सभी व्याकरणों में मूल्य तथ्य कुछ अनुशासन, रचनात्मकता और पूर्णता की भावना का मूल्य है। जब एक वाक्य को उपमा, समूहवाचक संज्ञा, वाक्यांश, प्रत्यय आदि से सुशोभित किया जाता है, वाक्य उस विषय के संबंध में अधिक सार्थक और परिपूर्ण हो जाता है जिसे आप व्यक्त करना चाहते हो। अब आप दिए गए MCQs का उत्तर दें। नमस्ते, थैंक यू।